हाँ नहीं ये तो यहाँ पेपर लेके लिख के चलो भाई, कहीं को टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। टाइम चेंज होता हमारे को भी एफआईआर के 12 बजे तक। बोलो भाई क्या हो, दूर से बोलो भाई। के नाम स्टार्ट करो। सैयद अमजद मेरा नाम है, मेरे पास ही काम करते हैं। हाँ साइड पे 5-6, 6:30 के टाइम पे हुआ हो, वायर के ऊपर पैर रख दिया उन्होंने। और एक जने मेरे साथ वाले आदिल बोलते थे, उन्होंने मुँह हाथ धोने का पार्टनर है उन्होंने, मुँह हाथ धोने का से उन्होंने जा रहे थे पीछे, उनके ऊपर गिर गए। मेरे को दूसरे जनों की आवाज़ आई, वायर वायर बोलते कि नीचे गया मैं सेकंड फ्लोर पे, से नीचे से जाके वायर निकाल लिया बस। तो करंट का वायर लगा हुआ था, वायर लगा हुआ था मशीनों का, मशीनों का वायर था। वो कारपेंटर क्या करे, वायर खुला छोड़ के चले गए वैसे। अच्छा कारपेंटर 4 बजे आए थे, डोरा निकाल लिए, हम ना टेप मार के काम करते कभी भी। अच्छा। क्या करे वैसे छोड़ दिए वो। अच्छा। छोड़ के बगैर बोले चले गए। इन्होंने सामान रखने का से काम खत्म हो गया था, हम लोग का सामान अंदर रखने का से जा रहे थे, पैर पे पैर रख दिया। जिसका इंतकाल हुआ उनका नाम क्या है? उमर है उनका नाम, उमर नाम है उमर। और एक जने उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या नाम है? आदिल है उनका नाम, आदिल नाम है। अच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप लेके काम कर रहे थे? हम ना दो जने हैं, हम लोग एक अंदर है ना आदिल बोल के, मई दो जने हैं। ठीक है इधर चिंचल बस्ती में शाम में 6:30 के टाइम एक इधर एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा, और घर का कंस्ट्रक्शन में उसका ओनर है जगदीश है, और उसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया दो आदमी को, एक है सैयद अमजद और अहमद, ये दो कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर है जो मार्बल ग्रेनाइट का और मार्बल का और कारपेंट्री वर्क को करने का इनको सब कॉन्ट्रैक्ट दिए। आज 6:30 के टाइम पर पूरे काम होने के बाद एक आदिल और उमर जो भी इनके पास काम कर रहे हैं, अमजद के पास और अहमद के पास काम कर रहे हैं, वो सिलसिले में इन लोगों का जब काम पे है एक इलेक्ट्रिकल वायर था, वो वायर को उन्होंने हाथ रख दिया, हाथ रख के उनको शॉक मारे तो पकड़ लिया उनको, उमर को पकड़ लिया, उमर पकड़ के गट पकड़ने के बाद शॉक मारने के बाद उन्होंने आदिल के ऊपर गिर गया, तो आदिल को इंजर्ड हुआ, आदिल तो आउट ऑफ डेंजर है, दोनों को हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल के पास उमर मर गया, उसका एज 25 ईयर्स है, और अभी उनके मामू कंप्लेंट दे रहे, देने के बाद टेक लीगल एक्शन 304 ये और नेग्लिजेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्टर का नेग्लिजेंसी और ओनर का उस सिलसिले में केस करेंगे। विदाउट परमिशन देखना पड़ेगा, जब एफ आई आर इशू होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इलीगल है, परमिशन नहीं है, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द म्युनिसिपल अथॉरिटीज, हमारे तक है ये नेग्लिजेंस पार्ट तक हम देखेंगे। दोनों रहने वाले हैदराबाद से, दोनों हैदराबाद जिले के दोनों।